हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में जो कि अभी भी अभी एक अपॉर्चुनिटी अभी भी स्टॉक में अवेलेबल है ये स्टॉक के बारे में डिटेल्स लिए हम एनालिसिस करेंगे उसके बाद में मेरा बताने का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा किस बेस पे मैं बता रहा हूँ और इसमें मुझे ऐसा लगता है आपको एक बढ़िया सा गेन मिल सकता है ठीक है जहाँ पर मैं मुझे जहाँ पर एक अच्छा सा नज़र आता है तो वही स्टॉक मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर एक अच्छा सा नज़र आपको आपको भी पता चल जाएगा कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ आपने तो देख लिया होगा इसका थंबनेल से आप चलिए अभी देखते हैं मैं आपको एक पेशेंस का एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ ठीक है आपको मैंने कई बार आपको काफ़ी टाइम से मैंने आपको बोला हूँ कि जो भी स्टॉक आप बाय करके रखें तो वहाँ पे आप बने रहिए मतलब आपको लॉस बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं आप स्टॉक मार्केट में टाइम दीजिए आपको बढ़िया सा गेन मिलेगा आपको बोला हूँ बहुत बार बोला भी हूँ अगर आपको बोला हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ बोला हूँ जो जो स्टॉक में हमने पोजिशन बना के रखे हुए हैं देखिए सन टी में मैंने बताया था वहाँ पर भी हमारा भले थोड़ा सा लेट लगा बट प्रॉफिट आ गया ठीक है तो यहाँ पे मैंने ये, ये स्टॉक के बारे में बताया हूँ यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है ठीक है अभी इस पंद्रह का अभी टारगेट नहीं आया तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में हैं इंडियन बैंक में मार्क्सन फार्मा अभी हमने बाय करने के बाद में थोड़ा सा नीचे भी गया है अभी और एक स्टॉक के बारे में मैं बता रहा हूँ टी वी टूडी में मैंने टी बी टूडे में मैंने कई बार आप सबको बताया हूँ कि ये स्टॉक को हम ले सकते हैं एक अच्छा सा अभी गेन ये स्टॉक में मिल सकता है देखिए अभी हमने अगर देखेंगे आज के कौन सा डेट पे हमने आपको बताया था यहाँ पे सितंबर यहाँ पे सितंबर सत्रह तारीख को हमने आपको बताया था तीन सौ का रेंज पे मैंने बताया था कि ये डेट पे हम बाय करके चल सकते हैं अच्छा सा गेना हमें मिल सकता है ये स्टॉक में मैंने भी पोजिशन बना बनाया बनाया था तो आपको भी मैंने बताया था अगर आपने बनाए होंगे तो ठीक है अगर आपने नहीं बनाए होंगे तो भी कोई आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्टॉक की बिल्कुल कमी नहीं है ठीक है अगर आप स्टॉक मार्केट में पेशेंस दिखाएंगे तो तो गेन गेन तो मिलेगा मिलेगा ऐसा कोई ये नहीं गेन नहीं कि आपको ठीक है स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा है ठीक है यहाँ पे सितंबर सत्रह तारीख को देखिए अगर हम चल चल के देखते हैं यहां पे सितंबर सत्रह तारीख को क्या रेट था सितंबर सत्रह तारीख देखिए सितंबर सत्रह तारीख को इस रेंज पे अगर आपने बाई किए होते आज का डेट का जो हाई था तो वहाँ तक चलते तो ट्वेंटी टू तौ परसेंटेज का गेन है अगर क्लोजिंग जो हुआ है क्लोजिंग प्राइस तक एक थर्टीन परसेंटेज का गेन है ठीक है तो इस पोजीशन में बने हुए हैं अभी मेरा जो टारगेट है ये टारगेट तक हम लेके चलेंगे एक ट्वेंटी सिक्स परसेंटेज का गेन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन कितना दिन लगेगा अभी तो देखिए यहाँ तक आ भी गया है लगन ऐसा लगता है कि सिक्सटी डेज़ में है इसका टारगेट पूरा हो सकता है टू मंथ्स में ठीक है ऐसा है क्या हमने बाय करने के बाद में नीचे बिल्कुल नहीं गया फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल नीचे गया है यहाँ पर देखिए हमने बाय करने के बाद में सिक्स परसेंटेज नीचे भी गया है लेकिन यही पेशेंस होता है आपको होल्ड करने का अगर आप एवरेज नहीं कर सकते हैं एवरेज तो छः परसेंट पर पाँच परसेंट पर तो एवरेज नहीं करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक में मिनिमम तो टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट का तो एवरेज करने के लिए वहाँ पे उस स्टॉक में मिनिमम टेन परसेंट का फॉल होना चाहिए हम बाइंग रेंज से उसके बाद में हम एवरेज कर सकते हैं ऐसे इमिडिएटली वो स्टॉक में एवरेज नहीं कर सकते हैं फाइव परसेंट पे मैंने एवरेज नहीं किया था लेकिन अभी भी हम प्रॉफिट में थर्टीन परसेंट प्रॉफिट में अभी यहाँ तक तो टारगेट चला जाएगा उसके बाद में ट्वेंटी टू हो जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री परसेंटेज का गेन यहाँ पे मिल जाएगा फिर उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग करके फिर दूसरा स्टॉक में जा सकते हैं आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मैं आपको बताऊंगा आज के डेट पे कौन सा स्टॉक में बाय करके चला चलाऊँ ठीक है अभी चलिए हम जो स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी अभी सिंपनी के बारे में फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ सिंपनी में हमने वीडियो बना के आपको बताया भी हुए हैं लेकिन उसके बावजूद अभी सिंफोनी में एक अभी रैली नहीं आया ठीक है तो इसका मतलब आपका मन में भी वही सवाल आ रहा होगा काफ़ी दिन से हमने पोजिशन बना के बैठे हुए हैं तो सिंपोनी में अभी रैली नहीं आई क्या करें लॉस बुक करके निकल जाएँ फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक को होल्ड कीजिए लॉस बुक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर हम देखते हैं ये कंपनी का अभी आर देखिए सिक्सटीन का आर है डेट टू इक्विट रेशियो भी देख लीजिए जो कि जीरो पॉइंट थ्री वन का डेट टू इक्विट रेशियो है अगर हम इसका प्रोमोटर प्लेस भी देखेंगे जीरो है ऑल टाइम हाई देखते हैं जो कि बाईस का ऑल टाइम हाई है अभी करेंट लेवल पर चल रहा है हज़ार के प्राइस पर ठीक है अगर ऑल टाइम हाई तक अगर आप स्टॉक को लेकर चलेंगे तो आपको हंड्रेड परसेंट का गेन भी मिल सकता है इस स्टॉक में टू ईर्यर्स अगर होल्ड करेंगे तो हंड्रेड परसेंट का गेन भी स्टॉक में मिल सकता है प्रॉफिट देख लीजिए एक टू ट्वेंटी करोड़ का सेल्स हुआ है स्टॉक में सेप्टेम्बर टू सेप्टेम्बर अगर हम कंपेयर करते हैं टू करोड़ का सेल्स हुआ है जो कि लास्ट में है सेप्टेंबर में वन नाइन्टी करोड़ का सेल्स था अगर हम प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पे सिक्सटीन करोड़ का प्रॉफिट था अभी थर्टी करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल करके आता है ठीक है तो इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं यहाँ पे रिजर्व तो ग्रोइंग होते जा रहा है रिजर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बोरोइंग देखते हैं यहाँ पे टू फोर्टी करोड़ का बोरोइंग है बोरोइंग इतना ज़्यादा भी कुछ है ही नहीं ये है स्टॉक में ठीक है इन्वेस्टमेंट भी देखिए फोर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फोर एटी फोर करोड़ का था यहाँ पे सिक्स फोर्टी सिक्स करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा बोरोइंग भी बढ़ा है अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर का प्रमोटर का होल्डिंग देखते हैं बढ़िया सा होल्डिंग है देखिए सेवेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव परसेंटेज का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है एफ आई के पास में फोर परसेंटेज का होल्डिंग है डी आई के पास में नाइन परसेंटेज का होल्डिंग है पब्लिक के पास में थर्टीन परसेंटेज का होल्डिंग है फ्रेंड्स ठीक है तो यहाँ पे ऐसा इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं ये स्टॉक में अगर चार्ट पैटर्न में हम जाके देखते हैं सिंपोनी में देखिए सिम्फोनी में अभी भी उसी लेवल पे घूम रहा है देख रहे हैं हम बाय करने के बाद में भी ये यह यहाँ पे नीचे आया था ठीक है तो अगर अभी भी आप बाई करके स्टॉक में चलेंगे ना तो आपको बढ़िया सा एक गेंद मिल सकता है अगर ऑल टाइम हाई तक के स्टॉक को आप रखेंगे तो आपको हंड्रेड का गेंद मिल सकता है फ्रेंड्स ठीक है अगर हम इसका देख लीजिए इसका चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए ना कोई स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है क्या देखिए एक मल्टी स्टॉक है देखिए ना यहाँ पे एक मल्टी अगर स्टॉक है तो कंसोलिडेशन में नहीं जाता है क्या सारे स्टॉक कंसोलिडेशन में जाता है जब इतना बड़ा सा रैली दिखाता है उसके बाद तो कंसोलिडेशन तो होगा ही ना तो यहाँ पे देखिए 2013 के बाद में 13 में जब एक रैली आया था देखिए 13 टाइम्स हुआ था यहाँ पे फोर्टीन हंड्रेड परसेंटेज का रिटर्न भी दिया है स्टॉक एक शॉर्ट टर्म पीरियड में जब इतना बड़ा सा रिटर्न मिलता है जब पाँच साल में फोर्टीन टाइम्स होता है उसके बाद तो कंसोलिडेशन चलेगा ना तो इसी हिसाब से कंसोलिडेशन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हम वीकली चार्ट पे हैं तो इसको अभी वन डे का चार्ट भी कर लेते हैं उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो एक स्विंग ट्रेड के लिए लेके तो ये स्टॉक में अभी अगर पोजीशन बना के चलते हैं तो यहाँ तक अगर स्टॉक को ड्रैग करके चलते हैं अभी लेटेस्ट हाई तक का एक फोर्टी सिक्स परसेंटेज का गेनफ्रेंस आपको मिल सकता है ठीक है एक बढ़िया सा स्टॉक है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है अगर आज का दिन का अगर डिलीवरी भी हम देखेंगे ना यहाँ पे सिंपोनी का देखिए सिंपोनी का आज का दिन का अगर डिलीवरी देखते हैं यहाँ पे फोर्टी नाइन परसेंटेज का डिलीवरी है फ्रेंड्स ऐसे ये एक स्टॉक चलता जाएगा ठीक है ना जहाँ पे कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है वो स्टॉक में अभी रैली आएगा तो अभी ऐसा ही स्टॉक में आपको पोजिशन बनाना है जो कि आप बढ़िया सा गेंद ले सकते हैं ठीक है मैंने कल जब यहाँ पे वालपुल का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ वालपुल का मैंने आपको बताया था शायद मैंने शायद आपको बताया था वालपुल में कि वालपुल को होल्ड करके रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने वीडियो देखा है वर्लपुल में यहाँ पे देखिए वर्लपुल का हम चार्ट ओपन कर चुके हैं यहाँ पे वर्लपुल में हमने बाय करके चले हैं इस लेवल पे ठीक है हमारा लेवल पे हमने बाय करके चले हैं उसके बावजूद में स्टॉक यहाँ तक तो गया था लेकिन हमारा टारगेट नहीं आया था हमने सेल नहीं किया था ठीक है तो इसी बेस पे अभी यहाँ तक जाने के बाद में फिर से यहाँ पे फॉल आ गया था लेकिन मैं उस टाइम पे प्रॉफिट में था तो मैंने लेकिन सेल नहीं किया था मेरा टारगेट जहाँ तक है टारगेट अचीव नहीं हुआ था इसलिए मैंने सेल नहीं किया था तो फिर भी एक नीचे आ चुका था जब रिजल्ट पेश किया उसके बाद में स्टॉक में जब ये इतना बड़ा सा फॉल आया उस टाइम पे मैंने अपना ग्रुप में काफ़ी सारे सबको मैंने बताया था कि ये स्टॉक को ले लो अब भी ले लो इतना बड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जो कि डेट फ्री कंपनी है एक एम ग्रुप की कंपनी है इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अरे कोई भी क्वार्टर में एक क्वार्टर में सर कभी भी एक रिजल्ट ख़राब आ सकता है इसको तो हमें इग्नोर तो नहीं करना है ऐसा स्टॉक को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है ठीक है कभी भी कोई भी एक स्टॉक में अच्छा सा स्टॉक में क्वार्टरली रिजल्ट कभी भी एक ख़राब आता है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है ठीक है ना तो इस स्टॉक में मैंने सबको बताया था कि अभी आप पोजीशन बना के चल सकते हो बढ़िया से गेन मिल सकता है मैंने इस लेवल पे जब नीचे आ चुका था मैंने इमीडिएटली बताया कि अभी इमीडिएटली बाय करके चलो ठीक है कभी कितना नीचे जाएगा हमें नहीं मालूम है लेकिन बाय करके चलो इस लेवल पर मैंने बता दिया था ठीक है इस डेट पर जो कि दो तारीख को ठीक है तो जिन्होंने बाय करके चले दो तारीख को तीन तारीख को तो अभी उनको बढ़िया सा प्रॉफिट हो रहा है लेकिन अभी प्रॉफिट बुक बिल्कुल नहीं करना है जब तक आपका टारगेट नहीं आता है तब तक प्रॉफिट बुक मत कीजिए ठीक है ये तो यहाँ पे लेटेस्ट हाई तक जा सकता है जो कि सत्ताईस तक बिल्कुल जाएगा ये स्टॉक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब जाएगा उसी टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो ठीक है बढ़िया सा स्टॉक है ठीक है अभी नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी दिन से कंसोल्टेशन चल रहा है वो स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान फूड हिंदुस्तान फूड का अभी तक रिजल्ट नहीं आया ठीक है थीक? अगर हम देखते हैं रिजल्ट का डेट अभी हिंदुस्तान फूड में अभी तक रिजल्ट का डेट भी नहीं आया है तो इसका रिजल्ट आने देते हैं नहीं तो अभी भी अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं एक मल्टी वैगर स्टॉक है फ्रेंड्स इसमें कोई हमें कोई शक भी नहीं है इसका प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो हमें बिल्कुल भी शक नहीं अभी रिजल्ट नहीं आया है अगर ये स्टॉक का हम देखते हैं एक मल्टी वैगर स्टॉक है ये स्टॉक में ऐसा ही टाइम होता है जब टाइम पीरियड इतना बड़ा सा करेक्शन हो चुका है इस स्टॉक में अगर हम पोजीशन बनाएंगे ना एक बढ़िया सा रिटर्न हमें मिल सकता है देखिए स्टॉक का एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं प्रॉफिट देखिए एक लास्ट पाँच साल का प्रॉफिट देखिए यहाँ पे सिक्स करोड़ हुआ ट्वेल्व करोड़ हुआ ट्वेंटी फोर करोड़ हुआ थर्टी सिक्स करोड़ हुआ फोर्टी थ्री करोड़ हुआ प्रॉफिट में कितना बढ़िया सा अभी ग्रोथ आ रहा है और सेल्स भी देखिए सेल्स भी हमेशा डबल होते जा रहा है ठीक है तो इसीलिए ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रखना चाहिए तो हो सकता है आपको सिक्स मंथ स्टॉक चला नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स ये स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए आपको सेल्स भी ग्रोथ हो रहा है बढ़िया सा ऐसा नहीं कि स्टॉक फोमो के चक्कर में स्टॉक ऐसे ही भागे जा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल आपका सेल्स का जो सेल्स और यहाँ पे प्रॉफिट को बिल्कुल फॉलो कर रहा है स्टॉक का सी ठीक है स्टॉक प्राइस हमेशा फॉलो कर रहा है यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ को और सेल्स ग्रोथ को ये स्टॉक में पोजीशन बनाइए आपको मल्टी भी अगर रिटर्न देगा आपको करोड़पति ये स्टॉक बना सकता है फ्यूचर में अगर 10-20 साल के लिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता ऐसा स्टॉक में ठीक है अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया है थोड़ा सा खुद का एनालिसिस करके पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप इस स्टॉक में मेरा जो टारगेट था मैंने बाइंग करके यहाँ पे चला चलाऊँ मेरा जो टारगेट था यहाँ तक का था लेकिन काफी दिन से कंसल्टेशन हो रहा है देखिए कितना कितना कॉप यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे देखिए ठीक है तो यहाँ पे जिस हिसाब से बन रहा है तो इसी हिसाब से ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा यहाँ तक जाएगा इसको जाने में कोई नहीं रोक सकता है इस स्टॉक को हम बाई करके चल सकते हैं एक एक बढ़िया सा गेन हमें मिल सकता है थ्री थाउजेंड टारगेट तक हम लेके चल सकते हैं जो कि अभी की करंट लेवल पे अगर बाय करके चलते हैं तो अठारह सौ का लेवल पे जो उन्नीस सौ का लेवल पे अभी स्टॉक चल रहा है अभी अगर बाय करके चलेंगे हमें सिक्सटी परसेंट का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स लेकिन कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले फ्रेंड्स खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है मेरा कहने पे आप बिल्कुल भी बाय मत कीजिए मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप अगर सिक्स मतलब थोड़ा सा आप अगर यहाँ पे चार्ट को अगर समझ जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा ठीक है लेकिन गेन आपको आएगा ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कभी ऐसा गलत स्टॉक में बता नहीं रहा हूँ कि आपको गलत स्टॉक में हमने फंसा दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मल्टीबैगर स्टॉक है जिसको मैं अपना पोर्टफोलियो में लेता हूँ वही स्टॉक के बारे में मैं आपको बताता हूँ ऐसा बिल्कुल भी, भी मैं नहीं बोलता हूँ कि जो स्टॉक कैसे फिर ट्रैक करके मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक में मुझे प्रॉफिट आया तभी तो, तो मैं वही स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रखता हूँ तो तभी तो आपको मैं बताऊंगा ना स्टॉक में प्रॉफिट आया मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया मैं आपको अगर दूसरा स्टॉक बता के अगर खुद अपना पोर्टफोलियो में दूसरा स्टॉक लूंगा तो आपको ट्रैक करके किसे मैं बताऊंगा ठीक है ये एक बढ़िया सा स्टॉक है अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया है अभी कोई एक श्विंग ट्रेड के लिए बढ़िया सा स्टॉक आप देख रहे हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई बढ़िया सा स्टॉक देख रहे हैं पोर्टफोलियो डबल करना चाहते हैं ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हैं यहाँ पे सिक्सटी का गेन एक साल टाइम दे दीजिए बस एक साल का टाइम दे दीजिए आपको साठ तो बिल्कुल मिलेगा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ठीक है अगर आपको सिक्स मंथ्स टारगेट रखना है तो ले लीजिए यहाँ पे सिक्स मंथ्स का टारगेट सिक्स मंथ्स क्या हो सकता है थ्री मंथ्स में भी मिल जाएगा यहाँ पे थर्टी थ्री परसेंटेज का गेन आपको मिल सकता है यहाँ पे टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेवल तक आप जा सकते हैं इस स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बढ़िया सा स्टॉक है बढ़िया सा स्टॉक है इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है और मैंने जैसे आपको वादा किया था कि कौन से स्टॉक में मैंने पोजिशन बनाया हो आज बताने के लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कौन से स्टॉक में मैंने पोजिशन बनाया हूँ <coughs> देखिए फ्रेंड्स <coughs> मैंने आज एक स्टॉक में पोजीशन बनाया हो उसका चार्ट भी दिखा देता हूँ मैं किस भी इस पर बनाया हूँ आपको भी बता देता हूँ मैंने इसका एनालिसिस भी एक दिन पहले मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था ठीक है ये स्टॉक में आप बिंदास पोजीशन बना के चल सकते हैं यहाँ पे देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए ये स्टॉक का प्रॉफिट आपने देखा है ना बैंक ऑफ इंडिया का अगर बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफ़िट आप देखेंगे यहाँ पे देखिए वन करोड़ का प्रॉफिट है समझ रहे हैं यहाँ पे फाइव फोर्टी थ्री करोड़ का प्रॉफिट था तो प्रॉफिट बिल्कुल डबल हुआ है ठीक है जब इसी इसी हिसाब से प्रॉफिट इतना बढ़िया सा प्रॉफिट आया है तो यहाँ पे एक लास्ट चार क्वार्टर का प्रॉफिट देखिए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ का हाइस्ट प्रॉफिट एक अभी पिछला देखिए पिछला दो हज़ार सोलह से ये लेवल तक प्रॉफिट कभी भी नहीं आया है तो इसी हिसाब से ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है आप सोच लीजिए दो हज़ार सोलह पर कौन सा लेवल पे ट्रेड हो रहा था देखिए पहले 2016 के 2019 का लेवल तक अगर जाएगा जाएगा तो फिर वन वन हंड्रेड का लेवल है ठीक है अगर 2016 का लेवल आप देखना चाहेंगे 2018 का लेवल है तो तो फिर 200 तक जा सकता है ठीक है लेकिन हमें मुझे इतना बड़ा टारगेट नहीं चाहिए मुझे स्विंग ट्रेड करना है एक बढ़िया सा गेंद लेना है तो इसीलिए मैंने अभी पोजिशन बनाया हूँ मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में मुझे थ्री मंथ्स में एक फोर्टी का गेंद मिल सकता है या तो फिर सिक्स मंथ्स लग भी सकता है अगर आपको ये स्टॉक में पोजीशन बनाना है खुद का एनालिसिस कर लीजिए खुद अगर अपना हिसाब से अपना रिस्क के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करके आप बाय करके चल सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए आपको तो यहाँ से तो बढ़िया स्विंग ट्रेड का नॉलेज मिल जाता है लेकिन आप वीडियो को जरूर लाइक नहीं करते हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए अगर चैनल पर नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन भी करेंगे मुझे अगर आप यहाँ पर वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट भी कैसे हो सकता है मैं इसे अच्छा सा अच्छा आपको अच्छा स्टॉक के बारे में बताता रहूँगा मैं तो मैं अपना काम करता हूँ आप भी अपना काम कीजिए ठीक है ना आप अगर मुझे थोड़ा सा मोटिवेटन मोटिवेशन नहीं देंगे आप अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे शेयर नहीं करेंगे तो कैसे होगा ठीक है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए ठीक है अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ये सब स्टॉक में पोजीशन बना के रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको साल में फोर्टी परसेंट ईजिली मिलेगा फोर्टी क्या ज़्यादा भी मिल सकता है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कोई भी स्टॉक आपने बाय करके चले हैं मेरा जो चैनल पे हमने जिस हिसाब से स्विंग ट्रेड का बारे में बताया हूँ किसी भी स्टॉक में लॉस बुक करने की कोई जरूरत नहीं है आप डाइवर्सिफिकेशन करके रखिए पोर्टफोलियो बढ़िया सा गेन मिलेगा थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में